सुमति कहते हैं, पिताजी, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति प्रजा का न्याय पूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करती थी। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार के विरोधी थी। उन्होंने धर्म पूर्वक धन का उपार्जन किया और धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विश्व का भोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त होकर पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें वे एक दिन के समान ही जान पड़े। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में भी कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त परमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना। जो वन में निवास करते थे, अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशीराज की शरण में आए। काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु के इस प्रकार आज्ञापूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले, मैं किसी के आक्रमण से भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास जाना नहीं, याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क के इस राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर उनके समंत राजाओं को सताना आरंभ किया। दुर्ग और वन के रक्षकों को भी काबू में कर लिया। किन्हीं को धन देकर, किन्हीं को फूट डालकर, किन्हीं को समझा बुझा कर ही अपना वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु मंडली से पीड़ित राजा अलर्क के पास थोड़ी सी सेना रह गई। खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोषहीन होने से राजा को बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया था। तब स्नान करके पवित्र होकर उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और अंगूठी से वे उपदेश पत्र निकाल कर देखा। उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेश को पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। वह उपदेश इस प्रकार था, आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उनकी औषधि है।
कामना को श्रद्धा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी ना जा सके तो मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से, ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्द्रभाव से आसक्ति रहित पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूं, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूं, सच सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? तो अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो ये शरीर तो पांच भूतों का समुदाय मात्र है, गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। ये हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी घोड़े रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है? इसलिए ना तो मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे दुख या सुख होता है, और ना नगर और कोष से ही मेरा कोई संबंध है। ये हाथी घोड़े आदि की सेना ना सुबाहु की है, ना दूसरे किसी की है, और ना मेरी ही है। जैसे कलसी घट और कमंडलू में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही हैं। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है वहां वहां से वह दुख ही ला कर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूं, अतः ना दुखी हूं ना सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुख में है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही सुख दुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है, तुमने जो कुछ कहा है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सिमर की रुई की भांति उड़ा दिया। मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है, वे अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है, ममता ही उसका तना है। ग्रह और क्षेत्र की ऊंची ऊंची शाखाएं हैं, स्त्री और पुत्र आदि पल्लव हैं, धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं, वे अनादि काल से बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प हैं, सुख और दुख महान फल हैं, वे मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थककर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म पूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अत्यंतिक सुख मोक्ष कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित
शीतल ब्रह्म वन में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित होकर परम आनंद को प्राप्त होती। अलर्क ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक कराने वाला है, किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म ना हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हूं और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ब्राह्मण, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूं, क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। तो दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है, और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यतन पूर्वक त्याग दे। आसक्ति ना होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग्य से संसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है, ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहां रहना हो वही घर है, जिससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह ना होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। राजन, ये तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई हैं।